हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि हम कैसे मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है टेबल वन और इसके साथ हमारे पास एक दूसरा टेबल भी है टेबल टू। अब हम इन दोनों में से कॉमन डाटा निकालना चाहते हैं, जो आपको यहाँ पे कॉमन डाटा मैच करके निकलेगा। उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपना इनर ज्वाइन, जो कि हम अपने पिछली वीडियोज में कवर कर चुके हैं, मगर वहां पे हमने सिर्फ दो ही टेबल्स को ज्वाइन किया था। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड टेबल भी है और हम यहाँ पर अब एक ऐसा डाटा निकालना चाहते हैं जो टेबल टू के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो, टेबल वन का, और टेबल थ्री में भी एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर भी हम टेबल थ्री और टेबल वन के अंदर जो कॉमन डाटा है उसको निकालने के लिए फिर से लगाएंगे इनर ज्वाइन। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अभी थ्री टेबल्स को ज्वाइन किया है। हम यहाँ पर फोर टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फाइव टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बस उसका एक तरीका होता है। तो आइए अब देखते हैं रियल टाइम एग्जाम्पल कि हमें इस तरह के ज्वाइंस लगाने की जरूरत कब पड़ती है। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास तीन टेबल हैं, स्टूडेंट टेबल, सिटी टेबल और कोर्स टेबल। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर हमारे पास पांच कॉलम आ रहे हैं, आईडी, नेम, एज, कोर्सेज और सिटी। अब यहां पर कोर्सेज और सिटी के अंदर हमने यहां पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू सेव कराई है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज जो है, ये दूसरे हमारे पास जो टेबल है कोर्सेज और सिटी उनकी प्राइमरी कीज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है सीआईडी और सिटी। तो यहाँ पे जो सीआईडी है मतलब कि कोर्स आईडी, ये एक प्राइमरी की वाला कॉलम है। हमने इसे प्राइमरी की इसलिए रखा है क्योंकि ये एक यूनिक आईडी है, मतलब कि हर सिटी की एक अपनी यूनिक आईडी है। और इसी तरह यहाँ पर भी कोर्सेज के अंदर भी यहाँ पे यूनिक आईडीज आ रहे हैं और इसको हमने यहाँ पे नाम दिया सी आर आई डी, मतलब कि कोर्स आईडी। तो हमने यही वाले आईडीज यहाँ पे स्टोर कराए हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्टूडेंट का डाटा देखेंगे, मतलब कि जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कमांड लगा के स्टूडेंट का सारा डाटा देखते हैं, तो उस समय यहाँ पर कोर्सेज की जगह पे उसके आईडीज आ रहे हैं और सिटी के भी आईडीज आ रहे हैं। तो इससे हमें यह नहीं पता लग पा रहा कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ और किस सिटी से आता है। तो यहां पर हमारे को मल्टीपल ज्वाइंस लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा सिटी वाला कॉलम है इसको हम ज्वाइन लगाएंगे सीआईडी वाले कॉलम से जो दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हमारा जो कोर्सेज वाला कॉलम है उसका हम ज्वाइन लगाएंगे सीआरआईडी से जो कोर्सेज टेबल के अंदर है। तो इस तरह ज्वाइन लगाने से फायदा क्या होगा, जब हम स्टूडेंट का डाटा देखेंगे तो वहां पर हमारे को आईडी नहीं नजर आएंगे, वहां पर हमारे को उस कोर्स का नेम नजर आएगा। यहां पर भी हमें सिटी के नेम नजर आएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि मल्टीपल ज्वाइंस लगाने का सिंटेक्स क्या है, मतलब कि हम उसे कैसे लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास एक सिंटेक्स है जिसके अंदर हमने यहां पे सिलेक्ट कमांड लगाई है सिलेक्ट कॉलम्स। अब यहां पे हम उन सारे कॉलम्स के नेम देंगे जो कि हम टेबल वन, टेबल टू और टेबल थ्री के अंदर देखना चाहते हैं। यहां पे हम स्टार भी लगा सकते हैं अगर हम सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं तीनों टेबल्स के। उसके बाद हमारे को यहां पे लगाना है फ्रॉम, फिर आ जाएगा टेबल वन, और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे इनर ज्वाइन टेबल टू। अब जहां पे हमने टेबल वन और टेबल टू को ज्वाइन करना है उसको मैच करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा टेबल वन डॉट कॉलम का नेम जिसको हम मैच करेंगे टेबल टू के उस वाले कॉलम नेम से जिसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम अपने तीसरे टेबल को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हम दोबारा से लिखेंगे इनर ज्वाइन टेबल थ्री, और उसके बाद फिर से हम लगाएंगे ऑन, फिर हम टेबल वन के उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं टेबल थ्री के कॉलम से। तो यहां देखिए, यहां पर हम दोबारा लिखेंगे टेबल थ्री, उसके बाद टेबल थ्री के उस कॉलम का नाम आ जाएगा जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं टेबल वन के कॉलम से। यहां पे बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो यहां पर टेबल टू का जो हमारे पास कॉलम नेम है और यहां पर जो टेबल थ्री का कॉलम नेम है, ये दोनों यूनिक होने चाहिए, मतलब कि ये प्राइमरी की सेट होने चाहिए, इनके अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो रिकॉर्ड निकल के आएगा वो ठीक नहीं होगा, मतलब कि प्रॉपर रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। जैसे हमने यहां पर तीन टेबल्स को ज्वाइन किया है, इसी तरह हम यहां पे फोर टेबल्स, फाइव टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर आप दो से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं लेफ्ट ज्वाइन की हेल्प से या राइट ज्वाइन की हेल्प से, तो बस उसके लिए आपको यहां पे इनर ज्वाइन की जगह पे लिख देना है लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन तीन टेबल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना। इसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो डाटाबेस है स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर हमने ऑलरेडी तीन टेबल्स बनाए हुए हैं सिटी, कोर्सेज और पर्सनल। यहाँ पे आपको उसका डाटा भी दिख रहा है, ये पर्सनल का डाटा है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट में दो कॉलम्स ऐसे ऐड किए हैं जो कि फॉरेन की हैं, मतलब कि सिटी और कोर्सेज, और यहाँ पर हमने कुछ आईडी सेव करवाए हुए हैं। ये आईडी कहाँ से आ रहे हैं,
आ रहे हैं सिटी वाले टेबल से और कोर्सेस वाले टेबल से। यहाँ देखिए, ये हमारे पास सिटी का टेबल है, यहाँ पे हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं अलग अलग और उनके यूनिक आईडी भी हैं, जिसको हमने यहाँ पे प्राइम डी की सेट किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कोर्सेज का टेबल है और यहाँ पर हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, बीटेक, बीसी और एमबीए, और इसके भी हमने यहाँ पर 3 यूनिक आईडी रखे हैं और इस कॉलम को हमने सेट किए प्राइमरी की। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इन तीनों टेबल्स के रिकॉर्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, वो भी इनर ज्वाइन लगा के। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी कमांड लिखूंगा सिलेक्ट, उसके बाद मैं लगा देता हूँ स्टार, मतलब कि मैं सारे कॉलम देखना चाहता हूँ तीनों टेबल्स के। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा फ्रॉम, फिर हमारे पहले टेबल का नाम आ जाएगा जो कि है पर्सनल। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपना इनर ज्वाइन, फिर हमारे दूसरे टेबल का नेम आ जाएगा जो कि है सिटी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इनको अलाइज नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर पर्सनल के लिए मैं ले लेता हूँ पी और यहाँ पर सिटी के लिए ले लेता हूँ सी। अलाइज नेम मतलब टेम्परेरी नेम, जिसको मैं आगे यूज करूंगा। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पर लगा देना ऑन, जहाँ पर मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो हमारा पर्सनल टेबल है उसके कॉलम को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसका नाम है सिटी, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। और उसको मैं सिटी नाम का जो हमारा कॉलम है उसके सी आई डी वाले कॉलम से ज्वाइन करूंगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने दो टेबल्स को ज्वाइन किया है, अभी हम इतना ही रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे पास दो टेबल्स को ज्वाइन करके रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आप लास्ट में दो कॉलम्स भी देख रहे होंगे जो दूसरे टेबल से आ रहे हैं, सिटी नाम के टेबल से। अब मैं यहाँ पर थर्ड टेबल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिखूंगा इनर ज्वाइन, और जो हमारा तीसरा टेबल है उसका नाम है कोर्सेस, और उसका भी मैं अलाइज नेम ले लेता हूँ, जैसे सी आर, मतलब कि कोर्सेज का सी आर। अब इस टेबल को पर्सनल वाले टेबल से मैच करने के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड लगाऊंगा ऑन, और यहाँ पहले मैं पर्सनल के कॉलम का नेम लिखता हूँ, तो मैंने लिखा पर्सनल डॉट कोर्सेस। आप नीचे यहाँ पे देख भी सकते हैं, थर्ड लास्ट जो हमारे पास कॉलम है उसका नाम है कोर्सेस। इसको मैं ज्वाइन करूंगा सी आर टेबल से, जिसके कॉलम का नेम है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कोर्सेस अंडरस्कोर आई डी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पर्सनल टेबल को ज्वाइन कर दिया कोर्सेज वाले टेबल से। अब यहाँ पे हमारे तीनों जो टेबल्स हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया था, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहला ज्वाइन है, उसके बाद ये सेकेंड ज्वाइन है। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे एक एरर आया, नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इस नाम का कोई भी कॉलम नहीं है, कोर्सेस अंडरस्कोर आई डी। मैंने लगता है नाम गलत लिखा है, यहाँ पे सिंपल कोर्स है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा नाम चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है कोर्सेस कोर्स अंडरस्कोर आई डी। मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया कमांड को, और ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर दोनों टेबल्स का डाटा आ रहा है। पहले यहाँ पर दो कॉलम्स आ रहे हैं सिटी टेबल से, उसके बाद लास्ट के जो दो कॉलम्स हैं वो आ रहे हैं कोर्सेज टेबल से। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर सिटी आई डी, कोर्सेज आई डी, ये सारे कॉलम्स जो हैं इनको मैं नहीं देखना चाहता, तो यहाँ पर अब मेरे को स्टार नहीं लगाना, यहाँ पर मेरे को कॉलम के नेम लिखने हैं कि किस टेबल से मैं कौन सा कॉलम देखना चाहता हूँ। तो देखिए, पहले मैं पर्सनल से आईडी, नेम, परसेंटेज, एज और जेंडर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पी डॉट आई डी। इसके बाद मैं सिटी वाले कॉलम से सिर्फ सिटी का नेम देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट सिटी नेम। और लास्ट में जो हमारा कोर्सेज वाला टेबल है उसमें सिर्फ मैं कोर्सेज के नेम देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आर डॉट कोर्स नेम। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैंने कॉलम के नेम लिख दिए, मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को, और ये देखिए, यहाँ पर अब हमारे पास सिलेक्टेड कॉलम्स आ रहे हैं, जिससे हमारे जो टेबल की रीडेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और किस सिटी से आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं इसी वाली सिलेक्ट कमांड के अंदर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मल्टीपल ज्वाइंस लगाए हैं, यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज भी लगा सकता हूँ, मतलब कि कंडीशनल बेस अगर डाटा देखना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे वेयर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट का डाटा देखना चाहता हूँ जो आगरा से आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा सी डॉट सिटी नेम इक्वल्स टू आगरा। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा लिया कि उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए जो आगरा से आ रहे हैं।
तो देखिए यहां पर हमारे पास सिर्फ वही स्टूडेंट आ रहे हैं जो आगरा के हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे तीन टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे फोर टेबल्स या फाइव टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज नहीं करना चाहते, राइट ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन यूज करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इनर ज्वाइन की जगह पे लिख देना राइट ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।